जुलूस है जो पूर्णिया में निकला वो अंतिम पड़ाव पर है, और मैं बता दूं कि पूरे जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पुलिस के बल भी काफ़ी मुस्तैद रहे, लेकिन इसके बावजूद हम ये कहेंगे कि यहाँ के लोगों में प्यार मोहब्बत ही इतनी है कि सारा कुछ काफ़ी बेहतरीन मोहब्बत तरीके से हुआ, काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। और यहाँ देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये फूल वर्षा का जो यहाँ मशीन लगाया गया है, और ये मशीन के जरिए फूल बरसाई जा रही है, और ये तमाम जितने भी लोग लगे हुए हैं ये हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं, और जो इस पर्व को और खूबसूरत बनाने के लिए फूल की वर्षा कर रहे हैं। शरबत की व्यवस्था की गई थी, पानी का व्यवस्था किया गया था, और ये सारे लोग जो रैली में शामिल हैं, जो शोभा यात्रा में शामिल हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, वो बेहतरीन तरीके से इस पर्व को मना सकें, इसके लिए पूरी सेवा में लगे हुए थे और ये लोग खुद उसमें शामिल थे, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, कितनी क्या क्या करना पड़ा आपको इन चीज़ों को, इस मैसेज को देने के लिए? देखिए, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, हमारे समाज के भी लोग और हमारे बिरादरी के भी लोग भी ये चाहते थे कि हमारे यहाँ पूर्णिया में अमन चैन हमेशा बना रहे, इसके लिए हम लोगों ने एक पहल ली और शायद इसमें कामयाब रहे, और सभी लोग का साथ है, बिना किसी के साथ के कभी कोई फैसला कभी कामयाब नहीं होता, और आज उसी का अंजाम है जो आप देख रहे हैं। देखिए, कारवां जब शुरू होता है तो एक दो आदमी होते हैं, लेकिन जब चलते आते हैं तो बस इसी तरह शोभा यात्रा की तरह ही लोग कारवां के कारवां और भीड़ की भीड़ बनती जाती है। लेकिन आज हम लोगों ने जिनसे भी इस बारे में चर्चा की, सबके दिल में इस तरह से बातें आ रही थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि ये पूर्णिया में प्रेम मोहब्बत का जो इतिहास है उसको रचने की ओर शुरुआत की गई है, काफ़ी खुशी महसूस कर रहे थे। ये नेक काम आप लोगों के मन में अचानक कैसे आ गया? देखिए, नेक काम वाली बात नहीं है, बात यह है कि हम लोग हमेशा हम हैं, मौ से हिंदू मौ से मुसलमान, जब तक एक साथ नहीं हो सकता तब तक कुछ नहीं होता। ये हम दोनों बिरादरी के लोग, हम लोग हिंदू समाज भी और मुस्लिम समाज भी दोनों ने मिल के ये फैसला किया कुछ ऐसा करें, क्योंकि पूर्णिया में कभी भी ऐसा कभी कोई हादसा हुआ नहीं है और ना कभी होगा, और आगे भी हम लोग इसका ख्याल रखेंगे। हम लोग एक साथ ही मिलकर मनाएंगे, चाहे वो मुहर्रम हो चाहे वो रामनवमी हो, क्योंकि 363 दिन में एक दिन रामनवमी होता है और एक दिन मुहर्रम होता है, हम लोग 363 दिन ठीक होते हैं, दो दिन में हम लोग हिंदू और मुसलमान क्यों हो जाते हैं, हमें इसी चीज़ की दूरी को मिटाना है। इस तरह से आप लोग बातें कर रहे हैं सब समुदाय मिल करके इस तरह से, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में जो वोट डालकर राजनीति करने वाले? नहीं, आप कुछ नहीं, आप सिर्फ सबका साथ सबका विकास, यानी कि विकास पे ही बात चलेगी, बाकी कुछ नहीं होगा। कोई भी सरकार जो विकास की बात करेगी जनता उसी को वोट देगी, चाहे वो कोई भी हो। तो नेताओं की नेतागिरी अब जा सकती है, 100% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, आप जिस तरह से प्रेम मोहब्बत की बातें हो रही है, समाज के लोग कर रहे हैं, नेताओं को भी समझना पड़ेगा। नेता के लिए तो ये सब रखा गया है कि जो वोट की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान को जो लड़ाने का काम करते हैं, उसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं। अब पूरे हिंदुस्तान में अमन चैन चाहते हैं हम, जिसके वजह से फूल की बारिश करवा रहे हैं और गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखना चाहते हैं, हम लोग मिलकर रहना चाहते हैं। वैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा सबक है, ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, ये माहौल जो देखने को मिल रहा है आपको। क्या क्या कहेंगे आप सुनाला जी? ये जो है सामाजिकता का जो हम लोग प्रतीक बने हैं, इसके मैसेज पूरे हिंदुस्तान में हम लोग देना चाहते हैं। यहाँ पे ना हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, हम लोग सब मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं और त्यौहार मना रहे हैं, सुनिए, ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान को हम लोग देना चाहते हैं। किसी खास समुदाय का नहीं रह गया? नहीं, अब किसी भी समुदाय का ये त्यौहार बन के नहीं रह गया, ये पूरा हिंदुस्तानी का पर्व। हाँ, पूरे हिंदुस्तानी का पर्व रह गया, ये चाहे मुहर्रम हो चाहे रामनवमी हो, ये सब हमारे पूरे समाज का। हाँ, पूरे समाज का हमारा रह गया, इसमें व्यक्ति किसी का कोई त्यौहार नहीं रहा। क्या कहेंगे, ये किसी व्यक्ति समुदाय का पर्व रह गया या पूरे समाज का पर्व रह गया? ये जो भी पर्व है हमारे हिंदुस्तान का, जो भी पर्व है वो हम सब का, हम सबको मिलाना चाहिए। हम हौ से, जैसे भाई साहब ने बोला, हौ से हिंदू मौ से मुसलमान, जिस दिन हम हैं, जब तक हम हैं हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता है, जिस दिन हम से अलग हो जाएंगे कोई भी कुछ कर सकता है। ये नेताओं को समझना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल समझना पड़ेगा, समाज को फूट डालकर जो राजनीति करते हैं कभी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जब तक हम नहीं रहेंगे तो वो नहीं रहेगा। जनता की भावना को समझना पड़ेगा, एकदम समझना पड़ेगा और समझना चाहिए। जनता क्या चाह रही है जी? समझना चाहिए, जनता क्या चाह रही है? शांति चाह रही है। देखिए, जिस प्रकार से श्रीराम अखंड भारत के राजा थे, उसी प्रकार से उनका मनाया जाने वाला रामनवमी
पूरे भारत का है, ये किसी एक समुदाय का नहीं है, हर जन का है, हर इंसान का है। ये एक भगवान नहीं, एक राजा का पर्व बोल है। तो ये क्या लग रहा है कि जो लोग राजनीति करते हैं, फूट डालने की कोशिश करते हैं, उनकी चलेगी? बिल्कुल नहीं, जब तक लोग शिक्षित होंगे बिल्कुल नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। ये सब देखने में, ये सब देखने में बड़ा मजा आया, इंटरटेनमेंट भी हो ही जाता है, बहुत अच्छा है ये सब। खास करके रामनवमी पे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, नए नए कपड़े मिलते हैं। धन्यवाद। अजय, तो तुम जो यहाँ आई थी, क्या क्या सोच करके आई थी? मैंने सोचा कि एंजॉय करूँगी, सारे बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं इस पे। बस स्कूल में तो छुट्टी मिली होगी इसकी? बिल्कुल। क्या कह करके छुट्टी मिली थी? कि कुछ भी, पर एंजॉय जरूर होता है रामनवमी पे, बच्चों का तो फेवरेट फेस्टिवल यही होता है, यही होता है। तो मेनली यही होता है। देखने के लिए यहाँ आई, बड़ी संख्या में लोग भी आए हुए थे, सबके साथ लोग आए हुए थे। हाँ। तो कितने देर से देख रही थी? अभी एक घंटे से। एक घंटे से देख रही, मजा आ रहा था पूरा? बहुत। क्या नाम है तुम्हारा? अमृता। दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखिए किस तरह से रामनवमी के जो जुलूस है, जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही है। आधा से ज्यादा शोभा यात्रा निकल गई है। पूर्णिया के लोगों की जिम्मेदारी है और पूर्णिया के लोग ये ऐसा कर सकते हैं और कर रहे हैं। निश्चित रूपेण ये अपने आप में अद्भुत है। और ख़ासतौर से जो नेता राजनीति करते हैं, फूट डालने की कोशिश करते हैं, वैसे लोगों को जनता की भावना को समझना पड़ेगा कि जनता क्या चाह रही है और नेता क्या चाह रहे हैं। अगर जनता की भावना से अलग नेता चाहेंगे, ऐसे नेताओं की नेतागिरी नहीं चलेगी, उन्हें अपनी नेतागिरी पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। उनकी अब कुछ नहीं चलने वाली है, पूरी तरह से जनता की चलने वाली है, क्योंकि जनता सब शांति चाहती है, मिलकर प्यार मोहब्बत के साथ पर्व को मनाना चाहती है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।